दोस्तों आपने देखा होगा कि जब आप अपने मोबाइल फोन का जीपीएस ऑन करते हैं तो वह आपकी लोकेशन दिखाने लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस टेक्निक का उपयोग कब और क्यों किया गया था? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जीपीएस क्या है। जीपीएस यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जिसे लोकेशन जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें, आज से करीब 62 ईयर्स पहले यानी 1960 के दशक में इस सिस्टम का उपयोग किया गया था। उस वक्त अमेरिका ने नेवी मिसाइलों को ले जाने वाली अमेरिकी पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल किया था। फैक्ट नंबर 2, फेसबुक गूगल के बाद सबसे अधिक ट्रैफिक वाली वेबसाइट मानी जाती है और हर एक सेकंड में फेसबुक पर 6 न्यू प्रोफाइल बनती हैं। फैक्ट नंबर 3, नेटफ्लिक्स पैसा कैसे कमाता है? तो आपको बता दें, नेटफ्लिक्स में 3 तरह के कंटेंट देखने को मिलते हैं, जिसमें नेटफ्लिक्स अपने रुपए इन्वेस्ट करता है, फिर नेटफ्लिक्स इनकी ऑनलाइन राइट्स खरीदता है, इसके लिए नेटफ्लिक्स को लाइसेंस फीस देनी होती है। दूसरे में आता है ओरिजिनल लाइसेंस, इसमें जब नेटफ्लिक्स किसी मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खरीद लेता है तो उसे ऑनलाइन रिलीज करता है, इसके लिए नेटफ्लिक्स को काफी रुपए खर्च करना पड़ता है। तीसरे में बात करते हैं सेल्फ प्रोडक्ट की, इसमें प्रोटेक्शन से लेकर रिलीजिंग तक सारा पैसा नेटफ्लिक्स को खर्च करना पड़ता है। अब बात करते हैं नेटफ्लिक्स पैसा कैसे कमाता है। तो आपको बता दें, नेटफ्लिक्स का कोई भी शो देखने के लिए हमें नेटफ्लिक्स को सब्सक्राइब करना होता है, जिसका एक महीने का चार्ज करीब 199 रुपए का होता है। साल 2021 में नेटफ्लिक्स ने इंडिया से करीब 15 अरब से ज्यादा रुपए कमाए थे।